हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग होम 24। इस वीडियो में हम हिमाचल जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि आप 30 में से कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखें। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ प्रमुख रूप से बहती हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, झेलम। सतलुज, राबी, जमुना, ब्यास और चेनाब जो हिमाचल प्रदेश में से होकर बहती हैं, झेलम नहीं बहती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहले का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बगलामुखी माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 2 का जो होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। देखिए, एक बगलामुखी और एक बालासुंदरी, इन दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। बगलामुखी कांगड़ा और बालासुंदरी है वो सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिमला में वाइस रिगल लॉज किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेटरी हिल। वाइसरीगल लॉज को पहले ऑब्जर्वेटरी हाउस भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्नौर। और कितना है किन्नौर का लिंगानुपात? तो 818, ये भी आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा की बात करूँ, सबसे ज़्यादा किस जिले का लिंगानुपात है, तो वह होगा आपका हमीरपुर का, तो वो भी आप याद रखेंगे। और देखिए, आपको सेंसिस 2011 जी बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए आपके, और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर, सिर्फ आपको ऐसा नहीं पता होना चाहिए कि किस जिले का, आपको जो भी पता होना उसका लिंगानुपात है कितना, मेल की लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल की लिटरेसी रेट क्या है, ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है, ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? देखिए, राज्यसभा पर्टिकुलर मेंशन कर रखा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से संसद कितने सांसद चुने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, तब तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होता 7। परंतु अब जहां राज्यसभा मेंशन कर रखा, तो राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से? तो 3। अगर लोकसभा की बात करूँ तो 4। कुल मिलाकर कितने हो गए? लोकसभा के 4 प्लस राज्यसभा के 3, कुल मिलाकर कितने चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से सांसद? तो 7। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1954 को। और कौन सा नंबर का राज्य बना था बिलासपुर? 5वां जिला बना था, सॉरी राज्य नहीं, कौन सा जिला बना था? 5वां जिला बना था बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का। देखिए, सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, और ये सारे प्रश्न अक्सर एग्जामों में रिपीट भी होते हैं, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और इसी तरीके की वीडियो आगे भी आती रहेंगी, और कल से हम हिमाचल प्रदेश पुलिस की रेगुलर क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। और पहली जो क्लास रहेगी वो मैथ से शुरू करेंगे, उससे अगले दिन इंग्लिश, उससे अगले दिन हिंदी और रीजनिंग। बाकी HPGK को हम इसी तरीके मॉक टेस्ट से कवर कर लेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैंने पहले ही कहा था कि पटवारी के लिए हमने HPGK को बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आपको वो HPGK फॉर पटवारी एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक प्रश्न हर डिस्ट्रिक्ट का हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो आप देख सकते हैं। बाकी HPGK को हम इसी तरीके से कवर करेंगे, जो आपका देखिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो मेन पार्ट रहते हैं एग्ज़ाम में, वो यही है मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। बाकी देखिए India GK वो आपकी कवर हो ही जाएगी, तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इन 4 सेक्शन पर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत है? यानी कि पूछा ऐसे जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेणुका। अगर कृत्रिम झील की बात करूं तो अब आपका आंसर होगा गोविंद सागर। और रेणुका कहां पर है? तो रेणुका झील है सिरमौर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फुलैच अथवा फुलीच मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किन्नौर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरमौर जिले के क्षेत्र पजोता से संबंधित प्रमुख जन आंदोलन पजोता आंदोलन कब हुआ? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1942, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिमला। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, आप सबसे बड़े की बात करो तो लाहौल स्पीति है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है हमीरपुर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा कौन सा है? लाहौल स्पीति, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कुल्लू।
नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए अब एक करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा अटल टनल, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से मेले या उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त नहीं है? तो कुल्लू दशहरा आपको पता, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि, और अंतर्राष्ट्रीय ही है रामपुर का लवी मेला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वे होगा नलवाड़ी मेला, जो कि बिलासपुर में लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला क्या है, एक राज्य स्तरीय मेला है। नेक्स्ट प्रश्न है, और डब्ल्यू गोल्ड स्टीन ने इसे शुरू करवाया था 1889 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना आंध्रा नदी पर ही बनाई गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिमला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय भवन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वे होगा एलर्जली भवन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इस मॉक टेस्ट के बाद जो हम आपके लिए एचपी जीके भी लेकर आएंगे, वो भी बिल्कुल हम जो मॉक टेस्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉक टेस्ट लेकर आएँ, क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश एग्जाम में एचपी जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो उन पर डिपेंड करता है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो। परंतु इसके अलावा भी देखिए, जैसे कंडक्टर का एग्ज़ाम होगा भी, उसमें भी एचपी जीके आएगी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, तो मैं कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉक टेस्ट लेकर आए हम एचपी जीके के। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियो रहेगी एचपी जीके की, वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको मॉक टेस्ट लेकर आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 82.8%। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में पूछा जा रहा है, तो लगभग 25% हिमाचल प्रदेश जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। और देखिए जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे साक्षरता दर वाला, तो देखिए ये जो मैंने आपको आंकड़े दे रखे हैं, ऐसा ही पूरा क्वेश्चन माइनिंग गार्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसमें 82.8% ही दे रखा था ऑप्शन में, परंतु कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलेगा 83.78%। तो अगर ये दे रखा होगा तो ऑप्शन में आपको फिर वो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आप आगे पीछे ये थोड़ा याद रखेंगे। अगर मैं आपको, देखिए पुरुष की भी पता होनी चाहिए, महिलाओं की भी अलग से पता होनी चाहिए, और सेंसेस तो बिल्कुल आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, हिमाचल प्रदेश सेंसेस 2011, उसमें 2001 के भी कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जो आज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन उनको भी ऐड करूँगा, तो वो भी हम MCQs के रूप में उनको भी हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हिमाचल प्रदेश था उसका, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देवदार। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है, तो राज्य खेल हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो बोलीवाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शंस आपके सामने, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बेगा चंबा। देखिए चंबा में एक और धार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन से जेब बनता है कि कौन सी धार चंबा और जम्मू कश्मीर को अलग करती है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द गानी धार, जो कि चंबा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चबूतरा या शबूतरा हिल्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूह उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन ए, सिरमौर के बागथन से, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली थी? क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बसोली। तो कि कौन है हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली? तो बसोली। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, इसका आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी, मंडी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैजनाथ का पुराना नाम था? तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? किरग्राम।
हिंडूर नालागढ़ का था, त्रिगर्त कांगड़ा को कहा जाता है वर्तमान में, और ब्रह्मापुर भरमौर को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चंबा शहर का संस्थापक कौन था। देखिए मैंने कमेंट पढ़ा था इससे पिछली वीडियो पर भी, मैंने चंबा शहर का पूछा था तो कहा था मेरू बर्मन होगा उसका आंसर। देखिए मैंने जहाँ लिख रखा चंबा शहर ना कि चंबा रियासत, अगर चंबा रियासत की बात करूँ तब तो उसका आंसर होगा मेरू बर्मन, अगर चंबा शहर की मैं बात कर रहा हूँ तब उसका आंसर होगा साहिल बर्मन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, ऐसे ही मंडी रियासत मंडी शहर, बिलासपुर रियासत या कहलूर रियासत बिलासपुर शहर, तो इन दोनों में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि क्या लिख रखा है, शहर पूछा जा रियासत, तो जहाँ पूछा चंबा शहर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साहिल बर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो कितने हैं विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, तो 68 ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 29, मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10वीं। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का, मंडी का शिवरात्रि मेला जो कि पुरानी मंडी में सेलिब्रेट किया जाता है किसने प्रारंभ किया, तो मंडी का शिवरात्रि मेला जो प्रारंभ किया वो किसने किया, तो ऑप्शन बी अजबर सेन ने। तो ये आप याद रखेंगे, तो ये आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप ठीक कर पाए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल से HP पुलिस एग्ज़ाम 2020 की बिल्कुल हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे मैथ की, और इस बार देखिए हम कल से ही शुरू कर देंगे ताकि आपका इस बार बिल्कुल समय रहते आपका जो पूरा सिलेबस वो कवर हो जाए, और हम उसकी फिर से रिविज़न भी कर सकें, आपके मॉक टेस्ट भी ले सकें, ताकि इस बार आपकी सिलेक्शन बिल्कुल पक्की हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।